ये कुलदरा गांव जाने का रास्ता है और हम लोग जा रहे हैं अभी कुलदरा। कुलदरा एक शापित गांव कहा जाता है, उनकी हिस्ट्री वही जाने के बाद हम गाइड को पूछेंगे और आपको बताएंगे। टर्न राइट। एक कुलदरा विलेज जाने का मेन रास्ता है और गेट है। हमने यहाँ इंक्वायरी किया तो अंदर कोई गाइड नहीं मिल रहा है, हिस्ट्री वही लिखी हुई है, वही हम आपको दिखा देंगे, वही आपको देखनी है और पढ़ना है। और हम अभी जा रहे हैं कुलदरा विलेज की ओर और आपको शेयर करवाएंगे एक एंशियंट विलेज। बहुत ही पुरातत्व स्थल है वो और देखने लायक जगह है। वहीं बोलते हैं काफ़ी भूत है, मगर वहीं भूत जैसा कुछ नहीं है। अभी ये हिस्ट्री है कुलदरा विलेज की। लोक कथा के अनुसार कुलदरा पालीवाड़ा ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलदरा के चारों ओर से 84 गांव का निर्माण किया था, तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह ने उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़कर भागना पड़ा था। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में गांव वीरान है और आज भी वीरान है। यहां से 1 किलोमीटर के बाद गांव आता है, देखते हैं जाके अभी कुलदरा। ये एक एंशिएंट स्टेपवेल जैसा कुछ है, कोई डिटेल्स इसमें लिखी हुई नहीं है। चलो आगे जाके देखते हैं, ये सब वीरान गांव पड़ा हुआ है। हमने यहाँ एक लोकल आदमी को पूछा था, मगर वो बात की हम पुष्टि नहीं कर रहे और हमें उससे सम्मत नहीं है। उन्होंने बताया कि यहाँ का कोई पुराना राजा यहाँ की ब्राह्मीण स्त्रियों को परेशान करता था और बहुत बड़ा दुर्व्यवहार करता था, तो ब्राह्मणों ने उन्हें खतरनाक श्राप दिया और एक रात में पूरे गांव की छतें उड़ गई और वही दिन से पूरा गांव यहां से वीरान है। ये चीज़ हमने सुनी हुई है, ये चीज़ की हम लोग पुष्टि नहीं कर रहे न तो हम उनसे जानते हैं। सर मेरा नाम अलादीन खान है, मैं आज कुलदरा के पास हूँ। मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ कुलदरा गांव की। सर गांव का नाम है कुलदरा। यहाँ पर एक पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, एक उनकी लड़की थी। जैसलमेर का राजा था सालम सिंह, आया और लड़की को देख ली, फिर लड़की से बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की ने कहा कि मेरा कुछ नहीं, वैसे मेरे पिताजी से पूछिए। उस समय जो सालम सा सैनिक थी, उन्होंने पता लगाया ये मुखिया की लड़की है। फिर मुखिया से कहा कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। का मुखिया ने कहा हम तो पालीवाल ब्राह्मण है और तुम बनिया हो, ऐसे कैसे हमारा धर्म चलेगा। तो मैं नहीं देंगे, कर नहीं दी तो मैं रात को उठाऊंगा। कर रात को मत उठाना, हमारी इज्जत चले जाएगी, हमें कुछ सोचने का वक्त दो। कर ठीक है, 4 दिन की मोहलत दी और 5वें दिन आया, वहाँ मीटिंग की गई। आज ऐसी बात हो रही है, आज ऐसी बात हो रही है, एक दिन मेरे उठाएंगे, एक दिन दूसरे लोगों को उठाएंगे। इतनी आकर के हम सालम सिंह को लड़कियां नहीं देंगे, की रात में 84 गांव खाली कर देंगे। ऐसे अमर सागर लिद्रुआ काबापोट कई सारे गांव खाली करने के बाद उस समय जो बुढ़े लोग चल नहीं पा रहे थे, उन्होंने श्राप दिया कहा हम यहाँ चैन से न रह पाए,
या जो भी बसेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी तक सुख में ना आएगी। ये सर स्टोरी है। और कहते हैं भूत है भूत है, आजकल इंसान से बड़ा कौन भूत है। रात को दारू पीने वाले आते हैं, वही भूत बनकर रात को शोर मचा देते हैं। जय हिंद जय भारत। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारा नाम क्या बोले बेटा? सर मेरा नाम अलादीन खान है। अलादीन, अलादीन बढ़िया बोला तू। सही में तुमने सही स्टोरी भी सुनाई और तू सही। मैं दे देता हूँ, ये ले। ठीक है, खाना है भाई हमारे पास, ये भी ले ले। तो कुछ खाना हो तो देते हैं। आज आपको ब्राह्मण नु घर हुआ है का तो मंदिर हुआ ના એટલે ઘર ઉપર મંદિર બનાવતા હતા જે વખત માં અચ્છા અચ્છા એટલે ઘણા બધા ઘરો જે સુખી ઘરના બ્રાહ્મણો રહેતા ને એને જેના રાજા કેવા યજમાનો રહેતા એ બ્રાહ્મણોને આવું ઘર બનાવી આપતા પણ એમાં આ શ્રીયંત્રનો પ્રકાર છે અષ્ટકોણ છે અષ્ટકોણ છે જો તમે પોટે જ પાડવા જેવું છે મને સાત ઉપર નું એક સ્ટેપ તૂટી ગયું લાગે છે બાકી એને સાત સ્ટેપ હોય खंडेर गांव यहाँ से पूरा दिख रहा है, आप उनको देख सकते हैं। ये जैसलमेर है, यहाँ फाइटर चलते रहते हैं पूरे दिन, उनकी आवाज़ें आपको कानों में गुंजाई देगी। भारत माता की जय। બહારથી જવાનો રસ્તો બહુ જ સાંકડો છે એટલે માતાજી ને પધરાવ્યા પછી અંદર દીવો ખાલી એમનો મૂકવાનો રહેતો હતો એમ શ્રીયંત્ર છે મેરું પુષ્ટ શ્રીયંત્ર છે ના જે પ્રકાર નું બાંધકામ છે ને પ્રણામ મજબૂત જબ્બર હશે, કારણ કે એની દિવાલ જો ઓલમોસ્ટ 2 ફીટ એની દિવાલ છે, વિન્ડો છે એમાં, દિવાલમાં વિન્ડોઝ એ પથ્થરની જ બનાવેલી છે અને ઇટ ઇઝ પરમેનન્ટ એરેશન। વિન્ડોઝ નું લોકેશન પણ ઓલમોસ્ટ મેઇન ડોર ની સામે ને સામે જ છે, તમે જુઓ ઓલમોસ્ટ ઓલમોસ્ટ, કારણ કે એ વખતે એટલા બધા કઈ આર્કિટેક્ચરલ બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ કેવું કઈ હતા નહીં, અને જે પ્રકારે પથ્થર એને ગોઠવ્યા છે પ્રણામ જો તું, આ ઓલમોસ્ટ આ ચીકણી માટીમાં જ બનાવેલું છે, પણ ચીકણી માટી અમુક સમયે પથ્થર સાથે જોઈન્ટ થઈને પથ્થર જેવી બની ગઈ છે। અને આ વિડીયો અને આ વિન્ડો ઉપર એક
પથ્થર ભી આપેલું છે એટલે એ છાયા માટે. હા, મતલબ ઘણું બધું એન્ટિક છે અહીંયા. ના, એટલે એન્ટિક તો છે, એમાં કોઈ સવાલ જ નથી, પણ પરફેક્ટ અને જેન્યુઅન છે. આ ઓલ્ડ છે, એન્ટિક છે, અંદર જે છે. એ પૂરા એક બહોત પુરાના ગાંવ કા એક ઘર હૈ, કરીબન 200 સાલ પહેલે કા હૈ. ઇસમે સબ ફેસિલિટીઝ હૈ. વો ટાઈમ મે વિન્ડો હૈ ઓર જરૂરિયાત કે લિયે વો હૈ. કિસી મકાન કી છત નહીં હૈ યહાં. ઇસકો ભૂત કા ગાંવ ભી લોગ કહેતે હૈ, મગર યહાં કોઈ ગોસ્ટ યા ભૂત જૈસી કોઈ ચીજ હૈ નહીં ઓર હોની ભી નહીં ચાહીએ. અગર ये चीज़ गांव देखना है तो आपको सम डेजर्ट से पहले जैसलमेर आना पड़ेगा. और बहुत पौराणिक बाबतों में जिसको इंटरेस्ट है वो यह आ सकते हैं देखने के लिए.